हेलो स्टूडेंट्स, मैथ ऑफ डिफरेंस में अपना जो नेक्स्ट कैटेगरी है लॉगरिथम को अपन ने कर लिया था, वो है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, है ना। हालांकि एक और सीरीज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो लोग लेके डिफरेंशिएट वगैरह करने होते हैं, वो बाद में करेंगे। ये दूसरे सीरीज है जिसमें पैटर्न रिपीट होता रहता है ना। जैसे कि हेरिंग डाले वाले, क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल्स टू x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस, है ना। इस तरह से ये जो चलते रहते हैं इनफिनिटी तक, ऐसे क्वेश्चन आपने 12th में और 11th में वो क्वाड्रेटिक वगैरह में देखे होंगे। तो इस तरह के जैसे क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ रहा है y डैश फर्स्ट, फाइंड y डैश फर्स्ट पार्ट इन टर्म्स ऑफ y ओनली, सेकंड पार्ट इन टर्म्स ऑफ x ओनली। तो देखो, आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आपको ये देखना है कि जैसे ये पूरी फोटो है, ये वाई पूरा है ना, ये पूरा वाई है। अब आप इसमें से एक या दो स्टेप या तीन स्टेप जितना भी है वहां से छोड़ने के बाद कहां से आपका वाई रिपीट शुरू होता है। क्या मैं एक्स के नीचे पूरी चीज को वाई बोल सकता हूँ? मान लो ये एक्स ना हो और फिर आप जो फोटो देख रहे हो और जो शुरू की फोटो देख रहे हो, क्या वो सेम है? नहीं। शुरू की फोटो कहां से शुरू होती है? एक्स अपॉन फिर टू प्लस फिर एक्स अपॉन। तो एक्स को छोड़ के अगर मैं बोल दूं नीचे वाला वाई है, वो वाई नहीं है। फिर आप देखो टू को भी छोड़ दो, अब आप देखोगे क्या ये जो नीले रंग में मैंने बनाई है फोटो, क्या ये नीले वाली फोटो और ये काले वाली फोटो सेम है? दोनों को अलग अलग दिखाऊं, सेम है। तो देखो, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ये पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पूरा अगर वाई है तो इसको छोड़ दो, तो एक इन्फिनिटी में से कम कर दिया तो भी वो वाई ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपको पता है जहां से पैटर्न रिपीट होता है उसको वापस वाई पुट कर देते हैं। ये क्या बन गया? वाई बराबर एक्स अपॉन टू प्लस वाई। बस कहानी आपकी यही खत्म हो गई क्वेश्चन की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स। पहला पार्ट क्या है? इन टर्म्स ऑफ वाई ओनली। इन टर्म्स ऑफ वाई ओनली मतलब एक्स को खत्म करना है, तो डीएक्स बाय डीवाई निकाल लो। डीएक्स बाय डीवाई बराबर क्या आ जाएगा? टू प्लस y के रिस्पेक्ट में 2y, तो dy by dx क्या आ गया? 1 upon 2 times 1 plus y, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। चलो सेकंड, ये मैंने पहले ही बताया था x को उड़ाना हो सिर्फ, तो इस तरह से कर सकते हैं हम। सेकंड क्या है, पहले y को x के टर्म्स में निकाल लो, या तो यहां से देखो ये क्वाड्रेटिक है, y square plus 2y minus x is equals to 0। तो वाई क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर माइनस माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो वाई बराबर माइनस वन प्लस माइनस टू टाइम्स रूट वन प्लस एक्स। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि, और हमें ये चूज करना है कि कौन से आंसर होंगे, है ना। तो ये एक्स पॉजिटिव है या नहीं, ऐसा कुछ तो दे ही नहीं रखा। तो थोड़ा यहां से देखो यार कि ये जो एक्स है ये वाई रियल कब होगा? जब एक्स माइनस वन से बड़ा होगा। एक्स माइनस वन से बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू माइनस वन भी रख दिया, माइनस वन अपॉन टू, तो ये माइनस हाफ है, उसके नीचे कुछ डिवाइड कर दिया तो वैल्यू माइनस हाफ से छोटी होगी। ऐसे हिट एंड ट्रायल से देखो, अगर एक्स की जगह जीरो रखोगे, जीरो तो वाई जीरो आएगा। तो यहां पे एक्स की जगह जीरो रखोगे तो वाई जीरो कब आएगा? प्लस साइन लेने से या माइनस साइन लेने से? भाई अगर आप माइनस वन माइनस ले लेते हो तो माइनस वन माइनस टू, ये टू नहीं आएगा, सॉरी, माइनस वन माइनस एक्स जीरो लोगे ये माइनस कर लोगे तो माइनस वन आएगा, और अगर ये प्लस करोगे तो माइनस वन प्लस वन आएगा। तो क्योंकि एक्स बराबर जीरो पे वाई बराबर जीरो है तो ये वाला एक्सेप्टेबल है या ये वाला नीचे वाला, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो मतलब आंसर क्या आएगा? प्लस वाला आएगा। तो वाई इज योर माइनस वन प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स। तो इस तरह से हमने एक एलिमिनेट कर दी, एलिमिनेट कर दिया। नाउ वाई डैश बराबर इसका जीरो रूट टी का वन अपॉन टू रूट टी। बस ये आपका आंसर है। ठीक है जी। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करना है, और कर लेते हैं।
Next question is y is equals to a raised to power x raised to power a raised to power x raised to power a raised to power x is the same thing. And prove that y square बराबर log y है ना, यहाँ log y लिखा है मतलब ln y ही है, मैंने आपको बता रखा है. x 1 minus y log x log y, y log x log y. तो देखो यहां से पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये वाली फोटो देखो या गिवन पूरी फोटो देखो, तो ये लिखा है y बराबर a की पावर x की पावर y. अब कुछ लोग यहां जो गलती करते हैं मैं वो बता दूं, वो नहीं करना. इसको आप ये नहीं लिख सकते a की पावर x y, क्योंकि ये कब होता है आपको पहले भी बताया है, अगर ये ब्रैकेट में लिखा हो ऐसे, क्योंकि a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर n की पावर m बराबर a की पावर mn होता है, ये तीनों बराबर होते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं लिखा, वो लिखा a की पावर n की पावर n है. तो आप ब्रैकेट यहां नहीं काट सकते, यहां यहां ब्रैकेट नहीं काट सकते, आपको यहां ब्रैकेट काटना पड़ेगा, ठीक है ना. ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो ये गलतियां नहीं करनी है. तो अब इसको देखो वेरिएबल की बार वेरिएबल, तो लोग ले लिया, तो ln y बराबर ये पूरी पावर आगे आएगी, x की पावर y आगे आ गया, बचा क्या ln a. अभी भी वेरिएबल की बार वेरिएबल है तो एक लोग और ले लो, तो ln ऑफ ln y इज इक्वल टू ln ऑफ x की पावर y प्लस ln ऑफ ln a. यू भी रूल ही तो लग रहा है. अब ये वाई आगे आ गया, तो ये वाई एन एन एक्स नॉट डिफरेंशियल, तो एल एन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव वन अपॉन एल एन वाई इंटू एल एन वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव वाई डैश बराबर, यहाँ यू भी रूल लगेगा. वाई को छोड़ दिया तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स प्लस एल एन एक्स को एज इट इज रख दिया तो वाई का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस एल एन ऑफ एल एन ए का डेरिवेटिव जीरो. वाई डैश को एक तरफ इकट्ठा कर दिया तो वाई डैश अपॉन वन अपॉन वाई एल एन वाई माइनस एल एन एक्स बराबर वाई वाई एक्स, ठीक है. तो यहां से आप देख सकते हो ये क्या करती है, प्रूव दैट वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर लॉग वाई है ना, प्रूव दैट वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर लॉग. तो देख सकते हो आप ये वाई और ये वाई इधर जाके वाई स्क्वायर एल एन वाई अपॉन एक्स इंटू वन माइनस वाई एल एन वाई एल एन एक्स, ये आपकी वाई डैश की वैल्यू होगी. यही प्रूफ करना था हमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है. चलिए इसको आई होप आप पोज करके नोट डाउन कर लेंगे, पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको y बराबर x अपॉन x प्लस x की पावर 1 बाय 3 अपॉन x प्लस x की पावर 1 बाय 3 अपॉन x प्लस x की पावर 1 बाय 3 से लेके ऐसे ही, ठीक है जी. चलो अब देखो इसमें भी आपको वही कहानी करनी है, पैटर्न रिपीट ढूंढना है. तो देखो पूरी फोटो कहानी शुरू कहां से होगी, x अपॉन x प्लस x की पावर 1 बाई 3. अब अगर आप इतना पैटर्न छोड़ के इसके नीचे जाते हो तो देखो x अपॉन x प्लस कहीं नहीं मिल रहा, x अपॉन x प्लस कहीं नहीं मिल रहा, x अपॉन x प्लस कहीं नहीं मिल रहा, मतलब उसने कुछ छेड़छाड़ कर दी आपके साथ है ना, क्वेश्चन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी जानबूझ के ताकि गरीब आदमी को फंसाया जा सके. तो अपन थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएं कि x अपॉन x प्लस, अगर मैं इस चीज को x की पावर 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखना, पहले आपका ये y था, ये आपने फोटो खींच रखी है पहले से. अब आपको पता मुझे यही फोटो दोबारी बनानी है, क्या x अपॉन x प्लस फिर x की पावर 1 बाय 3 अपॉन x प्लस समथिंग चलेगा. तो मैंने क्या करा, ये यहां पर एक एडिशनल करा और इसको इसके साथ क्लब कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा x अपॉन x प्लस x अपॉन x प्लस x की पावर 1 बाय 3 अपॉन x प्लस x की पावर 1 बाय 3 अपॉन समथिंग समथिंग और इंटू x की पावर माइनस 2 बाय 3. अब ध्यान से देखो क्या ये फोटो और जो नीले बॉक्स में फोटो है वो सेम है,
एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 1/3 अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर, है ना। तो ये कलाकारियां हमें देखो करनी पड़ती है। नाउ दिस इज y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस y इंटू एक्स की पावर माइनस 2/3। बस अब आप y को एक्सप्रेशन आ गया आपका, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y x प्लस y स्क्वायर इंटू एक्स की पावर माइनस 2/3 बराबर x। सीधा डिफरेंशिएट कर दो, सॉल्व करने क्या जरूरत है, तो इम्प्लिसिट वाला है ना। तो y को डिफरेंशिएट करा y डैश इंटू x का एज इट इज, प्लस y को रख दिया x का डेरिवेटिव 1, प्लस y को डिफरेंशिएट करा 2y इंटू y डैश इंटू x स्क्वायर रखा एज इट इज, प्लस y स्क्वायर को एज इट इज रखा x का डिफरेंशिएट करा तो माइनस 2/3 आगे आ गया, इंटू x की पावर कितना हो गया माइनस 5/3 बराबर x का। अब y डैश y डैश इकट्ठे कर लिए तो y डैश के ब्रैकेट में क्या आ गया, x प्लस 2y x की पावर माइनस 2/3, और बच्चा वो उधर क्या आ गया 1 माइनस y माइनस y स्क्वायर प्लस 2/3 x की पावर माइनस 5/3, ये नीचे आ जाएगा x प्लस 2y x की पावर माइनस 2/3, ये आपका y डैश आ जाएगा। जो भी आ गया ना बस ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो इस तरह से ये ड्रामे होते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, y बराबर x की पावर रूट एक्स की पावर इस तरह। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले बेस एक्स है, फिर पावर रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स चल रहा है। तो अब इसको अगर रिपीट करवाना हो तो अपन ऐसे सोचेंगे, y बराबर x को आप क्या लिख सकते हो, बेस को रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो देखो ए बी की होल पावर m को a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकते हो आप, ये आपको पता है। तो इसको आप लिख सकते हैं रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर इंफिनिटी इंटू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर, ठीक है। तो ये इस क्वांटिटी को अगर मैं t बोलता हूं तो ये भी t है, तो y बराबर t स्क्वायर आ गया, तो रूट वाई बराबर टी आ गया, ठीक है ना। रूट वाई बराबर टी आ गया, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है रूट का, है ना। तो बस आपका क्वेश्चन आ गया, रूट वाई बराबर रूट एक्स की पावर इनफिनिटी। अब देखो ये रूट वाई है पूरा, और यहां से काट दो तो भी वो रूट वाई ही है, तो रूट वाई बराबर रूट एक्स की पावर रूट वाई, बस लोग ले लो। तो हाफ एल एन वाई बराबर रूट वाई आगे आ गया, और एल एन रूट एक्स, रूट एक्स की भी पावर हाफ आ गई आ गई। अब डिफरेंशिएट कर दो, वन अपॉन वाई ये दो दो कट गया, इंटू वाई डैश बराबर एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, तो रूट वाई अपॉन एक्स प्लस रूट वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट वाई इंटू वाई डैश इंटू एल एन एक्स एज इट इज। वाई डैश को एक तरफ इकट्ठा कर लिया, वाई डैश वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन टू रूट वाई एल एन एक्स बराबर रूट वाई बाय एक्स, इसको एक तरफ भेज देना, आंसर आ जाएगा आपका वाई डैश का, ठीक है जी। चलिए तो इस तरह से आप बस तीन चार क्वेश्चन देख लिए हमने कि इस तरह से सीरीज वीरीज है, तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देख लेना उसको, ठीक। चलिए चलिए अब है द
डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे पहले जो हमने हेडिंग लिखी थी वो थी कि एफ दे रखा है, जी के जी एफ का इनवर्स है, उसके डेरिवेटिव की किसी चीज में वैल्यू पूछी है, तो वो तो हमने उससे करा था कि जी डैश समथिंग बराबर वन अपॉन एफ डैश समथिंग होता है ना। ये पर्टिकुलरली हम इनवर्स के फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, है ना। हालांकि ये पूरा चैप्टर हम ट्रिगो में पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिगो जो पढ़ चुके हैं ना, पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिगो चैप्टर यहाँ पे लाया जा सकता है, है ना। अब एनसीईआरटी या बाकी मॉड्यूल्स वगैरह कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आईटीए के जितने क्वेश्चन है सब यहाँ लाए जा सकते हैं। पहले आपका आईटीए लगेगा डिफरेंशिएशन, तो बस एक स्टेप पे लगेगा, बट चलो फिर भी उसको दोबारा याद कराने के लिए या इस तरह का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी आता है वो दिखाने के लिए मैं आपको इस हेडिंग को अलग से ले रहा हूँ। बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, कराने को जितने मर्जी करा लो, पूरा इनवर्स चैप्टर उठा के यहाँ आ सकते हैं ना। तो अपने कर रखे है तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं, फिर भी मैं कुछ 5-7-8 एग्जांपल वहां से ले लूँ। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं मेजरली। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा मुंह फाड़ के। मुंह फाड़ के मतलब जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि जैसे हम इस चीज का ध्यान नहीं देते एक्स कहां से कहां तक है या एक्स कंडीशन क्या दे रखी है, और सीधा स्टैंडर्ड जो अपने फॉर्मूले होते हैं वो लगा देते हैं ना। आपको याद हो जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन बराबर कहां से कहां दे रखा है एक्स, तो देखना पड़ता है, या कुछ नहीं दे रखा या ऑप्शंस में हमें फीलिंग आ रही है इस तरह से, मतलब कई बार चीजें ऐसी होती हैं जहां मुंह फाड़ के काम चलता है, मैंने आपको बताया था वहां पे। तो एक तो उसी टाइप के, टाइप टू जो सब्स्टिट्यूशन टाइप का भी हो सकता है ना, और जो टाइप थ्री है वो आंखें फाड़ के, है ना। आंखें फाड़ के अगेन मतलब कि जहां आपको बच बच के चलना पड़ेगा, है ना, फाड़ फाड़ के देखना पड़ेगा कि अरे यार एक्स कहां से कहां तक है, वाई ये कहां से कहां तक है, तो साइन इनवर्स साइन क्या होगा, कैसे खुलेगा, उसके बाद उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सभी टाइप के प्रॉब्लम अपन वहां देख चुके हैं, बस सभी के यहां देख लेते हैं, है ना। तो टाइप वन की क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो सबका डिफरेंशिएशन करना है, टेन इनवर्स दे रखा है, रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स वाई डैश निकालना है। देखो आपको ये पता है साफ साफ कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई अगर फॉर्मूला बनाना हो, सॉरी इसमें थोड़ा सा ये लिखा है वन प्लस एक्स रूट एक्स है, तो आपको ये लिखना चाहिए, ये सीधा सीधा लिखा है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई बराबर tan inverse x minus tan inverse y, ठीक है ना। बस तो यहाँ हमें कुछ नहीं देख रहे, x पॉजिटिव है नेगेटिव है फलाना ढिमकाना, सीधा मुंह फाड़ के चलेगा मानते हुए कि स्टैंडर्ड केस है, स्टैंडर्ड केस है सीधा इसका। तो आप इसको डिफरेंशिएशन सीधा नहीं करोगे, अगर कोई बच्चा सीधा डिफरेंशिएशन करेगा वन अपॉन वन प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू इसका u बाय v रूल, मौत को दावत देने के बराबर है वो। तो थोड़ा स्मार्टली देखना पड़ेगा आपको कि पहले ये वाला फॉर्मूला लगा लो, पहले ऑलवेज मैंने कहा था ऑलवेज सिंप्लीफाई फर्स्ट, तो इनवर्स में तो पक्का ही सिंप्लीफाई करना है आपको। तो ये लिखा है tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, नाउ डिफरेंशिएट, तो आई डैश क्या हो गया वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, तो एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो वन अपॉन टू रूट एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये आपका भैया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजों को थोड़ा सा ऐसे डील करना है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस और लिख लेते हैं इसी पे। y बराबर दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, y बराबर दे रखा है tan इनवर्स ax माइनस b अपॉन a bx प्लस a, y बराबर दे रखा है tan इनवर्स a sin x माइनस b cos x अपॉन a cos x प्लस b sin x, y बराबर दे रखा है tan इनवर्स 5 ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 6 x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन सेम कैटर के हैं कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस
x into y. This can be written as tan inverse 1 minus tan inverse x square. अब डिफरेंशिएट करो y dash, ये तो जीरो हो गया, माइनस वन अपॉन टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर फोर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो टू एक्स, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान है, और अगर आपके दिमाग में ये नहीं आया और आप टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस समथिंग स्क्वायर इंटू यू बाई वी रुकाओगे, मे बी आप आंसर प्राप्त कर लो, लेकिन टाइम लग जाएगा ना, कैलकुलेशन गंदी होगी। तो इनवर्स को आती सोचना है उसके फॉर्मूले के बारे में, और ये वो केसेस हैं जहां हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं देख रहे हैं कि ये टेन इनवर्स क्या है फलाना है। और वैसे भी टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई में तो बस हमने बताया था कि कोई भी कंडीशन हो बस एक्स वाई पॉजिटिव होने चाहिए, तो बट यहाँ हम वो भी नहीं देख रहे हैं, बट अगर गिवन है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। नहीं कुछ गिवन है तो हम मान के चलेंगे वो पॉजिटिव है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही लगाएंगे, ठीक है ना। चलो तो इसको देखो क्या लिख सकते हो, अब आपको पता नीचे वन प्लस एक्स वाई होना चाहिए, नीचे वन नहीं है, नीचे वन नहीं है तो मुझे किसी एक को वन बनाना पड़ेगा, या तो बी एक्स से डिवाइड करके इसको वन बनाऊ, या a से डिवाइड करके इसको वन बनाओ। तो बी एक्स से डिवाइड कर देता हूं, तो a बाय बी एक्स एक्स कट गया, माइनस बी एक्स से डिवाइड करूंगा वन बाय वन कट जाएगा, x बन जाएगा, और इधर बी एक्स से डिवाइड करूंगा तो वन प्लस, और इधर a बाय बी इंटू वन बाय एक्स। तो आपको दिख गया होगा ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन वन प्लस x इंटू y। दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ a बाय बी माइनस tan इनवर्स ऑफ वन बाय x। नाउ डिफरेंशिएट, तो पहले का तो जीरो ही हो गया, माइनस टेन इनवर्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स का डेरिवेटिव, तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इससे कट गया ये इससे कट गया, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलो उसी लॉजिक से अगर यहां देखें तो ध्यान दो, नीचे वन नहीं है तो a cos x से डिवाइड कर दिया, तो मैंने इसको लिख दिया tan इनवर्स a cos x से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन गया a sin अपॉन a cos माइनस b cos अपॉन a cos, नीचे a cos 1 प्लस b बाय a sin बाय cos। देखो ये क्या बन गया, a कट गए, ये बन गया tan x माइनस b बाय a अपॉन 1 प्लस tan x into b by a, tan inverse के अंदर x minus y upon 1 plus xy बन गया, इसको आप लिख सकते हो tan inverse of tan x minus tan inverse of b by a। तो देखो अब यहां कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो हम इसको मुंह फाड़ के खुलेंगे, क्या ये क्या है, x है बस, और क्या करें बस। तो y dash क्या हो गया आपका, 1 हो गया बस, ठीक है, इसीलिए ये मुंह फाड़ के कैटेगरी के क्वेश्चन है। यहां भी देखो वन नहीं है तो इसको पहले वन बनाना है, तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यार, देखो टेन इनवर्स फाइव एक्स बाय ए, ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, ए ए कट गया, एक एक बचा, इधर वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। पर अभी भी वो बात नहीं बनी कि ऊपर दो का डिफरेंस आ रहा है, या देखो यहां नीचे माइनस है, तो माइनस है तो चलो ऊपर प्लस आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो यहां इन इसको दो में स्प्लिट करना है जिसका सम ऊपर बनना चाहिए, तब ध्यान दे सकते हो इसको 2x by 3x by a लिख सकता हूं मैं। देखो बेटा नीचे वाले को मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूं 2 into x by a into 3 into x by a, इससे ये नीचे बन गया 6x square a square, और इन दोनों का सम ऊपर लिखा है 2x by a plus 3x by a। तो अब ये कौन सी कैटेगरी का बन गया, tan inverse x plus y upon 1 minus x y, so this is equals to tan inverse 2x by a plus tan इनवर्स 3x by a, ये y है तो y dash सीधा 1 upon 1 plus 4x square by a square into इसका डेरिवेटिव तो 2 by a plus 1 upon 1 plus 9x square by a square into इसका डेरिवेटिव 3 by a। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने करी है वहां, तो ये एकदम सिंपल वाला चल रहा है इनवर्स में, तो बस वो सारे क्वेश्चन यहाँ यूज किए जा सकते हैं। सो नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ
ऑफ ई बाय एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ ई की पावर फोर इंटू एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस ट्वेल्व लॉग एक्स, ये आपको फंक्शन दे दिया और वो पूछेगा वाई डैश बता दो। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े हाथी को रावण को हम में से मुंह फाड़ के वन अपॉन वन प्लस एक्स पे ड्रामा करने नहीं लग जाएंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का सोचेंगे। और दूसरा ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई नहीं सोचेंगे, उसमें भी एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई कितनी गंदी कैलकुलेशन होगी। तो पहले तो आप इसको खुद को ही सिंप्लीफाई करने को सोचो, जैसे अभी छोटे छोटे चुरकुट क्वेश्चन किए थे, कैसे कि सर नीचे क्या है वन प्लस, तो मतलब ऊपर एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई बन सकता है क्या? तो ध्यान दो ऊपर क्या लिखा हुआ है, लॉग ई है ना, मतलब एल एन ई माइनस एल एन एक्स क्यूब लिखा है, और नीचे क्या लिखा है वन प्लस थ्री लॉग एक्स मतलब एल एन एक्स, ये थ्री को आप आगे ला सकते हो तो ये थ्री एल एन एक्स। तो ध्यान दो एल एन ई क्या होता है वन, तो ये क्या लिखा है वन माइनस थ्री एल एन एक्स अपॉन वन प्लस थ्री एल एन एक्स, तो क्या ये नहीं लिखा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई, काम बन गया। बस इस तरह से जुगाड़ लगाना आना चाहिए और क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो टेन इनवर्स के अंदर ये खुल के बनेगा टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन इनवर्स ऑफ थ्री एल एन एक्स। ऐसे दूसरे को देखो, दूसरे को क्या लिखा है लॉग ए इंटू बी लगा दोगे लॉग ए प्लस बी, तो वो आ जाएगा फोर एल एन ई प्लस थ्री एल एन एक्स अपॉन वन माइनस बारह एल एन एक्स। तो इसको आप लिख सकते हो एल टेन इनवर्स को फोर प्लस देखो एल एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, तो दिस कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स फोर, ये मैंने गलत बोल दिया, ये एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है ना, नहीं सॉरी माइनस पे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन, हाँ ये जो है नीचे इसमें नीचे माइनस है, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। देखो दोनों वापस में कट गए जुड़ने पे, तो वाई तो कॉन्स्टेंट लिखा है टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स फोर, तो वाई डैश तो मुन्ना जीरो हो गया, सही है। तो ऐसे शिकार है तो इन चीजों को आप ध्यान देना, तो इसी बहाने आपका आईटीएफ आप रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चंस वगैरह कर लो उसके। इसी में सीरीज के सीरीज बेस्ड क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, जैसे मान लो टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, इसी तरह प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन अप टू एन टर्म्स, ये आपका वाई दे दिया। अब आपसे वाई डैश पूछ लिया, तो देखो आपको पता है ऐसी सीरीजों को तोड़ना हमने कहां सीखा था, इनवर्स फंक्शन में सीखा था, लास्ट में कैटेगरी में मैंने कहा था ऐसे में हमेशा नीचे वन प्लस एक्स वाई बनेगा, वन प्लस आएगा और दो का प्रोडक्ट आएगा, उन दो का ऊपर डिफरेंस होना चाहिए, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में टूट जाएगा, ये दो में ये दो में ये दो में टूटेगा, बीच में खटखट खटखट युद्ध शुरू होगा, इस तरह से अपन को ये क्वेश्चन शुरू करना है। अब ध्यान से देखो इसको ये लिख सकते हो वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और ये ऊपर बन सकता है एक्स प्लस वन माइनस एक्स, ठीक है जी। बस तो इसको आपने क्या लिख दिया टेन इनवर्स एक्स प्लस वन माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसको उठाया इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स नीचे लिखा वन प्लस दो अलग कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बच गया, इसको फैक्टराइज करके लिखोगे तो ये बनेगा टेन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस वन है तो एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, दुनिया को इसको अलग अलग करोगे तो दुनिया की नजरों से देखोगे तो ये दिखेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टू माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन। इसी लॉजिक से देखो आपको समझ में आ रहा होगा, तीसरे वाले को आप लिख सकते हो एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू, ऊपर डिफरेंस है
नीचे वन को अलग करोगे तो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू का देखो डिफरेंस नीचे प्रोडक्ट बन रहा है पूरा पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स प्लस वन सेवन। तो ये दुनिया की नजरों से देखोगे तो ये टूट के बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस टू। ऐसे अब देखो एनएच टर्म की बात करें लास्ट वाला, तो जो एनएच टर्म होगा उसमें देखो क्या होगा, देखो पहले टर्म में एक्स प्लस जीरो एक्स प्लस वन है, दूसरे में एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू है, तीसरे में एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री है। तो एनएच में क्या होगा, x प्लस एन तो होगा ही और एक उससे कम होगा x प्लस एन माइनस वन, वन प्लस होगा और ऊपर वही वन, तो इन दोनों का डिफरेंस x प्लस एन माइनस x प्लस एन माइनस वन होगा। ये टूट के ये लिखा जाएगा टेन इनवर्स x प्लस एन माइनस टेन इनवर्स x प्लस एन माइनस वन। अरे कोई युद्ध शुरू हुआ, इसने इसकी गर्दन काटी, इसने इसकी काटी, ये इसके अगले की काट चुका होगा, ये पिछले से कटवा चुका होगा, तो अल्टीमेटली क्या बचा, टेन इनवर्स x प्लस एन माइनस टेन इनवर्स x, दिस इज योर y। Now simple simplified y dash बराबर 1 upon 1 plus x plus n का whole square into इसका 1 minus 1 upon 1 plus x square, बस ये आपका y dash। ठीक है जी, तो इस तरह की चीजें आपको करवा रखी हैं, पूरा ITF chapter इसमें लाया जा सकता है। अब इसमें टाइप टू कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाला एक और एग्जांपल है ना। सब्स्टिट्यूशन में दोबारा याद करा दूं आपको, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो आप एक्स को क्या लिख सकते हो, ए सेक थीटा या ए कॉट थीटा, क्योंकि सॉरी कोसेक थीटा, क्योंकि ए सेक स्क्वायर माइनस वन टेन स्क्वायर बनेगा, कोसेक स्क्वायर माइनस वन कॉट स्क्वायर बनेगा। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो आप एक्स को क्या रखोगे, ए साइन थीटा सॉरी टेन थीटा या ए कॉट थीटा। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो आप रखोगे एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ठीक है ना, ये सब बातें आपको बताई गई हैं। ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स होगा तो एक्स को आप क्या रखोगे, ए कॉस टू थीटा, ये सब आपको पता है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो वाई दे रखा है टेन इनवर्स के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस वन अपॉन एक्स, डिफरेंशिएट करो क्या इसको, तो अगेन कुछ नहीं दिया तो है तो मुंह फाड़ के, बट होगा सब्स्टिट्यूशन से क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा मुझे कुछ दो का आर्ग्यूमेंट का। तो x को मैंने क्या रख दिया, a a मतलब 1 tan थीटा, मतलब tan थीटा रख दिया मैंने x को। तो देखो y बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स 1 plus tan square थीटा का रूट माइनस 1 upon tan थीटा। ठीक है, अब इसको अंदर ही अंदर देखो 1 plus tan square क्या होगा, sec square माइनस 1 upon tan थीटा। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, सॉरी sec आ जाएगा sec, 1 by cos, तो 1 by cos minus 1 और इधर sin बटा cos, तो 1 minus cos बटा cos और sin बटा cos, cos से cos कट गया तो ये बचा 1 minus cos बटा sin। अब 1 minus cos क्या होता है, 2 sin square theta by 2, 1 minus cos theta, और नीचे sin theta को लिख सकते हो 2 sin theta by 2 cos theta by 2। ठीक है, ये मैनिपुलेशन है, आज से नहीं ठीको के टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तो ये बन गया टेन थीटा बाय टू। ठीक है जी, तो वाई क्या बन गया आपका, टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू। अब देखो टेन इनवर्स टेन हमेशा कुछ सोच के खोला जाता है, बढ़िया कुछ नहीं दिया तो ये मुंह फाड़ के कैटेगरी में जाएगा, तो सीधा थीटा बाय टू, और थीटा क्या हो गया टेन इनवर्स एक्स बाय टू। तो पहले सिंप्लीफाई करके आप यहां तक आ गए, नाउ आप वाई डैश का आंसर बताओगे, 1 upon 2 into 1 upon 1 plus x square। तो बस तो खेल यहाँ ट्रिगो का है, इसमें डिफरेंशिएशन की वजह से थोड़ी अटकेगा क्वेश्चन, ये तो ITF की वजह से आप फंसोगे। ठीक है ना, तो ITF की ही एक तरह से आपको झलकियां दोबारा दिखा रहे हैं फोटो। एक और क्वेश्चन आंख फाड़ के कर लेते हैं ना, चलो
टाइप थ्री वाला क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, तो आपसे पूछा है y डैश x क्या होगा। तो अब देखो आपको x का इंटरवल दे दिया पूरा, मतलब r के ऊपर बात करनी है, r मतलब ऑब्वियसली 1 और माइनस 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। पूरा फंक्शन दे दिया, मतलब आपको डिफाइन करना है यार पूरा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है कि बस किसी 5 पे बता दूं, सीधा आपको खोल दी, खोलने को बोल दी इसे। तो अब आपको पहले तो इस पर डिफाइन करना पड़ेगा, तो आपको याद करा दूं मैं इस पर डिफाइन करने के लिए आपको क्या कहा जाता है। x को क्या रखोगे आप, साइन थीटा, x को साइन थीटा रखते हो बेसिकली, आप थीटा को क्या रखते हो, साइन इनवर्स x, ठीक है ना। अब ये बन गया आपका tan इनवर्स 2 sin थीटा अपॉन 1 माइनस, सॉरी x को tan थीटा रखोगे ना, सॉरी 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 सॉरी, tan थीटा रखोगे हाँ, तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स x, और ये बनेगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको पता ही है किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का, तो ये बन गया tan इनवर्स tan 2 थीटा। नाउ अब आपको देखो, अभी तक तो ये मुंह फाड़ के खुल रहा था आंसर 2 थीटा, बस खत्म बात, ठीक है ना। उसका रीजन था कि हमें कुछ दिया नहीं था ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन मान लो ऑप्शन में आंसर ही इस तरह से है कि यहां से लेके यहां तक f डैश ये है, या कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दे 5 पे ये, 3 पे ये, तो आपको देखना पड़ेगा ना 5 किस रीजन में आता है और उस रीजन में इसका y डैश क्या है, तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, और आईटी में तो खासकर बेसिक से देखो जाना ही जाना है। तो ये वाई है, इसको खोलने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, अब ध्यान से देखो, क्योंकि थीटा कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, तो टू थीटा कहां से कहां तक है, माइनस पाई से पाई तक, ये प्रोसेस पहले भी बताया था, रिकॉल कराया जा रहा है आपको, ध्यान से देख लें। तो टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ बनाया था हमने शायद, है ना, तो वो ऐसा होता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, फिर पाई बाय टू से 3 पाई बाय 2 तक, और फिर 3 पाई बाय 2 से ये 5 पाई बाय 2 तक, ऐसे ही माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 तक, ये माइनस पाई है, ये पाई है, ये 2 पाई है। अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि 2 थीटा माइनस पाई से पाई है, 2 थीटा माइनस पाई से पाई है, मतलब यहां से लेके यहां तक की बात करनी है, यहां तक की। तो देखो y, ये कर्व होता है y बराबर x, ये होगा y बराबर x माइनस पाई, और ये होता है y बराबर x प्लस पाई, ठीक है ना। तो y बराबर x कब है, ये एज इट इज बराबर 2 थीटा कब है, जब 2 थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, और जब 2 थीटा आपका पाई बाय 2 से पाई के बीच में है, तो ये आपका x माइनस पाई है, तो 2 थीटा माइनस पाई है, और अदरवाइज ये x प्लस पाई है, तो 2 थीटा प्लस पाई है, जब 2 थीटा आपका माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के बीच में है। अब आप इसको जब खोलोगे, 2 थीटा यहां से यहां तक है, तो हम बोलेंगे थीटा कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4, थीटा कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4, थीटा कहां से कहां तक है, पाई बाय 4 से लेके 1 पाई बाय 2। अब थीटा पाई माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4 है, मतलब टेन थीटा माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 है, मतलब x माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 है, यहां x माइनस 1 से 1 है, यहां x 1 से इनफिनिटी है, ठीक है जी। तो ये पूरा आंसर जो खुलता है ना, वो ऐसे खुलता है पाई प्लस 2 टेन इनवर्स x, ये 2 टेन इनवर्स x, और ये 2 टेन इनवर्स x माइनस पाई, x belongs to less than minus 1, x belongs to minus 1 to 1, और x greater than 1। अब यहां देखो, जो बच्चा एनालिसिस करे या ना करे, वहां उसकी किस्मत है कि तीनों की केस में कांस्टेंट को छोड़ के जो बच्चा पार्ट आएगा वो 2 tan inverse ही आएगा। तो अब y डैश जब करोगे तो देखो कांस्टेंट का तो निपट गया,
तो इसका भी आंसर 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा, इसका भी आंसर 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा, इसका भी आंसर 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा, चाहे x माइनस 1 से छोटा है, चाहे x माइनस 1 से 1 के बीच है, और चाहे x 1 के बाद है, ठीक है ना। तो यहां उसकी किस्मत काम कर रही है, या जो बच्चा अंडरस्टैंड करता है सारी चीजें, वो दिमाग में उसके चल रहा है कि देखो सारे केसों में ये तो सेम ही आना है, कांस्टेंट का फर्क पड़ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमारा आंसर सही है, तो हम बिना एनालिसिस के सीधा डिफरेंशिएट कर दें, वो एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। लेकिन अगर जो बच्चे ने पूरा अच्छे से करा और जिसने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा, आंसर सेम आ रहा, वो उसकी किस्मत है। अगले क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो लेट जाएगा। अब जैसे मान लो इसमें मैंने पूछ लिया वाई डैश की वैल्यू बता दो आप 2 पे, तो वाई डैश की वैल्यू 2 इसमें डलेगा, वो तो सब जगह एक ही आ रहा है, तो 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2/5 आएगा आंसर, ठीक है ना। ये तो चलो एक क्वेश्चन था, एक और देख लेते हैं इस पे। ये आपसे पूछ लिया और मैंने आंसर में क्वेश्चन में पूछा वाई डैश की वैल्यू 1 पे बता दो, वाई डैश की वैल्यू 2 पे बता दो, वाई डैश की वैल्यू -2 पे बता दो, इस तरह से अलग अलग आंसर है। तो पूरी एनालिसिस, अब देखो या तो इसमें वहां मैंने जब इसको एक्सप्लेन करा था तो मैंने कहा था रट सकते हो तो रट लो, है ना, और मुश्किल ये है कि शायद सबने रटा हो या रखना है ना, बहुत सारी चीजें जीवन में रटने को, बट जिसने प्रैक्टिस करा वो तुरंत निकाल लेगा। अब देखो मैं तो आपको वीडियो सॉल्यूशन में समझाने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप खड़ा खड़ा कर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप एक्स को क्या रखोगे, टेन थीटा, मतलब थीटा को आप क्या रख रहे हो, टेन इनवर्स एक्स, मतलब थीटा कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2, तो ये अंदर बन जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट वुड बी साइन 2 थीटा, ठीक है जी, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब आप ध्यान से देखें, ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को खोलने के लिए आपको जरूरत है साइन इनवर्स साइन एक्स की ग्राफ की, वो झोपड़ियों वाला। अब आपको पता है अगर थीटा यहां से यहां तक है तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, -π से π तक, तो -π, ये -π/2 है, ये -π है, ये -π/2 है, ये π/2 है और ये π है, बस अपने को इतना ही ग्राफ देखना है, आगे पीछे की कोई जरूरत नहीं है। इसकी इक्वेशन होती थी y/x, इसकी देखो स्लोप -x है और π रखने पर 0 आएगा, तो -x + π, और इसकी इक्वेशन y = -x - π है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एज इट इज 2 थीटा कब खुलेगा, जब 2 थीटा आपका π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में होगा, मतलब कि जो थीटा आपका वो -π/4 से π/4 के बीच में होगा, मतलब जो tan थीटा है आपका वो आपका -1 से 1 के बीच में होगा, और जो थीटा है आपका मतलब x जो है आपका वो -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो अब देखो आप थोड़ा सा तुरंत कर सकते हो, यहाँ 2 थीटा आएगा आंसर, यहाँ क्या आएगा π - 2 थीटा, यहाँ -π - 2 थीटा, तो अपन सीधा लिख सकते हैं -π - 2 sin inverse 2 tan inverse x when x is less than 1, π - 2 tan inverse x when x is greater than 1, और जब x -1 से 1 के बीच है तो आंसर है 2 tan inverse x, ये y का आंसर आ गया। अब ध्यान दो, आप y डैश की बात करोगे, y डैश की, तो वो क्या आएगा -2 upon 1 plus x square when x is less than 1 या when x is greater than 1, दोनों में सेम, और जब x -1 से 1 के बीच है तो आंसर है 2 upon 1 plus x square। अब देखो फर्क कहां पड़ेगा, अगर मैं 1 रखूंगा 1 तो आंसर आएगा y-1 = 2 अपॉन 1 + 1 = 2, और अगर मैं y-2 रखता हूं 2 तो 2 वाला आंसर इसके अंदर आएगा, तो -2 upon 1 + 4, तो -2/5 आएगा। और जिस बच्चे ने ये एनालिसिस नहीं करी वो सीधा मुंह फाड़ के चलेगा, ये यहां पे 2 थीटा, 2 के बाद 2 tan इनवर्स x, बस सीधा वो आंसर दे देगा 2 upon 1 + x². तो अगर उसका आंसर -1 से 1 के रेंज के बीच में पूछा हुआ फिर तो सही है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये आंखें फाड़ वाला क्वेश्चन था, मतलब डिटेल एनालिसिस ऑफ ATF में कहां कौन चीज कहां से कहां तक जा रही है, उस हिसाब से हमें एनालाइज करके फिर अपना आंसर बकना है, ऐसे नहीं कि सीधा मुंह फाड़ दें कि इसके बाद ये लिख दें और इसके बाद ये लिख दें, क्योंकि आपको पता है ये हमेशा नहीं होता, ठीक है ना। चलिए तो ये सब पहले कर चुके हैं, तो दोबारा आपको बता दिया कि कई बार ऑप्शन कंडीशन ऐसी होती है कि हमें ज्यादा नहीं सोचना, मुंह फाड़ के चलो, सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ता है, और उसके बाद डिटेल्ड वाला इस तरह के केसेस की कौन कहां से कहां तक है, सभी चीजें रटी नहीं जा सकती, बट प्रैक्टिस की होगी तो तुरंत निकाल लिया करोगे, और फिर अपन उस अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं कि अपना जो इनपुट है वो कहां है, उसके वहां पे फंक्शन क्या, वहां पे डेरिवेटिव है, तो देखो प्लस माइनस का फर्क आ जाता है, बस इतनी सी चीज ही मरवा जाती है आपको। चलो ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे कहानी बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू।